हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पिस्टल वर्सेस रिवॉल्वर पे। इस वाले टॉपिक में बेसिकली जो हैंडगन्स रह गई थी, जैसे हमने राइफल फायर आर्म्स में राइफल्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया था, आज हम हैंडगन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड हैंडगन्स में बेसिकली आपके दो ही टाइप होते हैं, पिस्टल एंड रिवॉल्वर। ठीक है, तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में पूरी हर चीज़ एक एक चीज़ करके जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। सो अगर हम सबसे पहले तो हैंड गन्स के बारे में जान लेते हैं कि हैंड गन्स क्या होती हैं। सो गन्स विच आर ऑपरेटेड बाय यूजिंग ओनली अ सिंगल हैंड एंड इट हैविंग अ शॉर्ट बैरल, देयरफॉर दीज हैव एन इफेक्टिव रेंज ऑफ 100 मीटर्स एंड बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पिस्टल एंड सेकेंड वन इज रिवॉल्वर। तो जो आपकी हैंड गन्स होती हैं, वो सारी गन्स जिनको आप एक सिंगल हैंड से इजिली ऑपरेट कर सकते हैं, सिंगल हैंड से आप उसको हैंडल करके फायर कर सकते हैं, उन सभी को हम हैंड गन्स कहते हैं। एंड जितनी भी हैंड गन्स होती हैं, उनकी जो बैरल होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी रहती है, बहुत शॉर्ट रहती है बैरल उनकी। एंड उनकी बैरल शॉर्ट होने की वजह से जो उनकी इफेक्टिव रेंज होती है वो अप्रॉक्स 100 मीटर के आसपास रहती है। ठीक है, एंड इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये एक अप्रॉक्स एवरेज, ये एक इफेक्टिव रेंज है आपकी। ठीक है, सो आपकी जितनी भी हैंड गन्स होती हैं वो सभी में राइफलिंग प्रेजेंट होती है, सारी की सारी जितनी भी बैरल्स होती हैं इनकी, वो सारी राइफल बैरल्स होती हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसको हमने राइफल फायरआर्म्स की कैटेगरी में इसको डाला गया है। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके बात कर लेते हैं पिस्टल क्या होती हैं एंड रिवॉल्वर क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पिस्टल्स के बारे में। सो पिस्टल्स आर शॉर्ट बैरल्ड राइफल्ड फायरआर्म्स, पिस्टल्स हैविंग मैगजीन विच इज़ इनक्लोज्ड इन इट्स ग्रिप। सो पिस्टल शॉर्ट बैरल की फायर आर्म है, क्योंकि जितने भी हैंडगन्स होते हैं वो सभी की जो बैरल रहती है वो शॉर्ट रहती है, इसलिए आपके पिस्टल की जो बैरल होगी वो भी शॉर्ट ही होगी। एंड इसमें जो आपका कार्ट्रिज को हाउस करने के लिए, कार्ट्रिज को रखने के लिए, कार्ट्रिज को कैरी करने के लिए एक सिस्टम रहता है जिसको हम मैगजीन कहते हैं। मैगजीन में आपकी बहुत सारी कार्ट्रिजेस आ जाती हैं एंड वही उसी मैगजीन को आपके पिस्टल में जो आपका ग्रिप रहता है वहाँ से मैगजीन को अंदर डालते हैं। ठीक है, ग्रिप मतलब जो आपके पिस्टल के पकड़ने का पोर्शन होता है। ठीक है, देन पिस्टल हैज़ सिक्स लैंड्स एंड सिक्स ग्रूव्स एंड हैविंग लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट। सो वो सारी पिस्टल्स जिसमें सिक्स लैंड्स एंड सिक्स ग्रूव्स होते हैं एंड उसमें लेफ्ट हैंड की ट्विस्टिंग होती है, मतलब लेफ्ट हैंड ट्विस्टिंग होगी राइफलिंग की। ठीक है, तो उन सभी जिस भी बैरल में इस तरह का सिस्टम प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं कोल्ट टाइप। कोल्ट टाइप का मतलब है, कोल्ट ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका पूरा नाम है सोमिल कोल्ट। उन्होंने आपका सिक्स लैंड्स एंड सिक्स ग्रूव्स बनाए थे एंड उसमें जो आपकी लैंड्स एंड ग्रूव्स होते हैं उसमें लेफ्ट हैंड की ट्विस्टिंग होती है। जो आपकी बैरल के अंदर राइफलिंग होती है लैंड्स एंड ग्रूव्स से, तो वो सिक्स सिक्स लैंड्स एंड ग्रूव्स होंगे एंड उसमें लेफ्ट हैंड की ट्विस्टिंग होगी। तो इस तरह की अगर बैरल है तो उसको हम बोलेंगे कोल्ट टाइप। एंड सेकेंड रहता है आपका, अगर फाइव लैंड्स हैं, फाइव ग्रूव्स हैं एंड राइट हैंड की ट्विस्टिंग है, तो उसको हम बोलते हैं स्मिथ एंड वेसन टाइप। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि स्मिथ एंड वेसन टाइप एंड कोल्ट टाइप के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके पिस्टल में ही देखने को मिलते हैं, ये कोल्ट टाइप, स्मिथ एंड वेसन टाइप, ये आपके रिवॉल्वर्स में भी कई बार देखने को मिल जाता है एंड जो आपकी राइफल्स होती हैं तो उसमें भी ये सारा चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, सो जहाँ पर भी आपके सिक्स लैंड्स और सिक्स ग्रूव्स एंड लेफ्ट हैंड ट्विस्टिंग होगी उसको हम बोलेंगे कोल्ट टाइप, एंड जहाँ पर फाइव लैंड्स एंड फाइव ग्रूव्स विद राइट हैंड ट्विस्टिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे स्मिथ एंड वेसन टाइप। ठीक है, दीज आर नॉर्मली सेमी ऑटोमेटिक और सेल्फ लोडर टाइप। सो जो आपकी पिस्टल्स होती हैं वो सेमी ऑटोमेटिक होती हैं एंड सेल्फ लोडिंग होती हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी मैगजीन रहती है तो वो मैगजीन ऑटोमेटिकली जो आपकी साइड कार्ट्रिज हो जाती है, जो आपकी ब्लैंक कार्ट्रिज होती है, वेकेंट कार्ट्रिज होती है, उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस करके उसके जगह पर नई कार्ट्रिज को हाउस कर देती है। ठीक है, एंड अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे तरह के रहती हैं। इसमें मैंने दो यहाँ पर दे रखे हैं, 9 mm माउजर पिस्टल एंड 7.62 mm पिस्टल। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी पिस्टल्स होती हैं, ये जितनी भी पिस्टल्स होती हैं ये सिविलियंस के लिए नहीं होती हैं एंड
ये सारी की सारी पिस्टल्स आपकी आर्मी वाले या फिर पुलिस वगैरह इसको यूज़ करती है, ठीक है। देन अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं क्योंकि आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ। जैसे कि सिंगल शॉट पिस्टल्स, क्रेन फ्रेम स्टैंडिंग ब्रीच, पाइवट फ्रेम स्टैंडिंग ब्रीच, रिजिड फ्रेम रोलिंग ब्रीच ब्लॉक, रिजिड फ्रेम फॉलिंग ब्रीच ब्लॉक, रिजिड फ्रेम एंड टर्निंग बोल्ट, डबल बैरल पिस्टल, मल्टीपल बैरल पिस्टल, रिपीटिंग पिस्टल्स, मैगजीन पिस्टल, ऑटोमेटिक इजेक्टर पिस्टल्स एंड लास्ट वन इज ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ पिस्टल्स के टाइप होते हैं। इनके बारे में ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ से कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में हल्का फुल्का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको नाम बता दिए हैं यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक पिस्टल है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से आपका मैगजीन को अंदर डालने का पूरा सिस्टम रहता है। यहीं पे आपकी साइड में एक बटन रहती है जहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। जो आपका मैगजीन रहता है वो डिटैचेबल होता है एंड उसमें आप सारी की सारी अपनी जितनी भी बुलेट को स्टोर करने की आपकी मैगजीन की कैपेसिटी होती है आप उतनी उसमें हाउस कर देते हैं। एंड देन इसमें आप जितनी बार फायर करेंगे उतनी बार आपका जो आपकी बुलेट रहती है वो अपने आप से अपने आपके बैरल में जो चैम्बर रहता है जहाँ पर आपके बुलेट को प्लेस होना होता है ड्यूरिंग फायरिंग, तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आती रहती है। एंड जो आपकी वेकेंट कार्टेज होती है, जो आपकी फायर हो चुकी होती है, तो वो जो रहती है अपने आप से ऑटोमेटिकली आपके आपके फायरआर्म से बाहर निकल जाती है, ठीक है। सो इसीलिए जितनी भी तरह के पिस्टल, अगर कोई भी क्राइम केस है वहाँ पर अगर फायरिंग जो हुई है वो पिस्टल की हेल्प से, मतलब किसी ने फायरिंग पिस्टल से करी है, ठीक है, एंड उसने नोटिस नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी में भाग गया, ठीक है, तो उस केस में आपको पिस्टल से जब भी फायरिंग होगी तो वहाँ पर आपको जो आपका जो कार्ट्रिज रहता है जिससे फायरिंग की गई थी, तो वो वेकेंट कार्ट्रिज आपको सीन पर मिल सकता है, ठीक है। अगर उसने नहीं ध्यान दिया, उसने नहीं उठाया, तो आपको वहाँ पर पॉसिबिलिटी यही रहती है कि वहाँ पर आपको वेकेंट कार्ट्रिज मिल जाता है एंड उसकी हेल्प से आप वो गन तक इजीली पहुँच सकते हैं। जब आपको गन का पता चल जाता है कि कौन सी गन है, तो वहाँ से आप जो आपका कल्प्रिट रहता है वहाँ तक आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला आपका जो पिस्टल का केस रहता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही इजीली क्राइम सीन पर बुलेट्स देखने को मिल सकते हैं, इसके जो वेकेंट कार्ट्रिज होते हैं क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक रिमूवल होता है एंड वो सारी की सारी रिमूवल आपके सीन पर इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी आपके पिस्टल का केस होगा तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, आपका कार्ट्रिज केस मिलेगा एंड उसको बहुत ही केयरफुली आपको स्टोर करना होता है, उसको कलेक्ट करना होता है, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिवॉल्वर की। सो रिवॉल्वर इज बेसिकली अ पिस्टल, बट बिकॉज ऑफ रिवॉल्विंग सिलेंडर इट इज नोन एज ए पिस्टल रिवॉल्वर। जो आपकी रिवॉल्वर रहती है वो आपकी सेम टू सेम आपकी पिस्टल की जैसी होती है, बस दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि आपके पिस्टल में किसी भी तरह का कोई भी रिवॉल्विंग सिलेंडर नहीं होता है, लेकिन जो आपकी रिवॉल्वर होती है उसमें आपका रिवॉल्विंग सिलेंडर होता है जिसमें कि आप अपनी कार्ट्रिजेस को रखते हैं, आप अपनी कार्ट्रिजेस को वहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम रिवॉल्वर को पिस्टल रिवॉल्वर भी कह सकते हैं, वैसे इसका नाम जो रहता है वो रिवॉल्वर ही होता है। देन इट इज इक्विप्ड विद मल्टीपल फायरिंग चैम्बर, दीज चैम्बर्स वेरी फ्रॉम 4 to 7, एवरी चैम्बर ऑफ अ रिवॉल्विंग सिलेंडर कंटेन ओनली 1 कार्ट्रिज। सो ये जो आपके रिवॉल्वर्स होती हैं इसमें जो फायरिंग चैम्बर रहता है, इसमें मल्टीपल फायरिंग चैम्बर्स होते हैं एंड इसमें क्या रहता है अप्रॉक्स 4 to 7 चैम्बर्स होते हैं जिसमें कि आप रिवॉल्विंग सिलेंडर में आप 4 to 7 कार्ट्रिज को हाउस कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं एंड एक चैम्बर में सिर्फ एक ही आपकी कार्ट्रिज रखी जा सकती है, ठीक है। देन इसकी ये जो आपकी 4 to 7 है ऐसी कैपेसिटी होती है चैम्बर्स, तो कितने चैम्बर्स होते हैं रिवॉल्विंग सिलेंडर में 4 to 7, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन देयर इज सम प्लेस बिटवीन बैरल एंड रिवॉल्वर सिलेंडर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकेज ऑफ गैसेस एंड पाउडर रेसिड्यूज, देयर बाई रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस। तो जो रिवॉल्वर होती है उसमें क्या होता है, जो आपका बैरल होता है एंड रिवॉल्विंग सिलेंडर होता है,
तो उन दोनों के बीच में, मतलब बैरल का जो ब्रीच एंड है एंड जो रिवॉल्विंग सिलेंडर है, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक स्पेस रह जाता है, जिसकी वजह से गैसेस जो रहती हैं, पाउडर रेसिड्यूज होते हैं जब आप फायर करते, तो वो सारी वहाँ से रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिवॉल्वर होता है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपके पाउडर्स जितने भी होते हैं, पाउडर रेसिड्यूज़ है, GSR है, गन शॉट रेसिड्यू है, तो वो सारा का सारा आपका वहाँ से बाहर लीक करता है एंड उसकी वजह से वो सारा वहाँ पे धीरे धीरे स्टोर होने लगता है एंड उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। एंड क्योंकि वहाँ से वो सारे जितने भी रेसिड्यूज़ होते हैं वो सारे वहाँ से लीक करते हैं, तो वो सारे के सारे आपके हैंड पर भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो जिस केस में भी आपको डाउट होता है कि ये आपका कल्प्रिट हो सकता है, तो उसके हैंड पर आपको वो सारे के सारे पार्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, वो सारा का सारा हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आप रिवॉल्वर से फायरिंग करते हैं तो वहाँ पे आपके सिलेंडर एंड बैरल के बीच में जो लीकेज होता है थोड़ा सा, तो वहाँ से आपके जो हैंड होते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पार्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि जो भी आपका सस्पेक्टेड पर्सन है उसने फायरिंग करी है या नहीं करी है, या फिर सीन पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनमें से किसी ने फायरिंग करी है या नहीं करी है। क्योंकि अगर फायरिंग करी होगी तो आपके हैंड पे बहुत सारे गन, मतलब जितने भी पाउडर रेसिड्यूज होते हैं, GSR होता है, वो सारा का सारा आपके हैंड पर अवेलेबल होगा, ठीक है। सो ये हो गया रिवॉल्वर का। एंड इसके अलावा जो बहुत बड़ा डिफरेंस है पिस्टल एंड रिवॉल्वर के बीच में, जब भी आप पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे तो आपकी जो कार्ट्रिज थी, जो आपका वेकेंट कार्ट्रिज थी, वो आपका सीन पर गिर रहा था, लेकिन रिवॉल्वर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें रिवॉल्विंग सिलेंडर होता है, तो उसमें सिंपली आपका जो एक बार फायरिंग करेंगे तो आपका सिलेंडर रिवॉल्व थोड़ा सा रोटेट होगा एंड आपका जो वेकेंट कार्ट्रिज होगा वो मूव कर जाएगी एंड जहाँ पर आपका फायरिंग करना होता है, जो आपका चैम्बर रहता है मेन, जहाँ से आपकी बुलेट जो रहती है वो बाहर जाती है, जहाँ पे आपका जो हैमर रहता है वो आपके बुलेट को हिट करता है, तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, उस पोजीशन पे आ जाता है आपकी नई कार्ट्रिज, ठीक है। तो इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी इजेक्शन नहीं होता है अपने आप से, लेकिन पिस्टल में कार्ट्रिज, जो वेकेंट कार्ट्रिज होती है, उसका इजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो रिवॉल्वर बुलेट हैज़ रिलेटिंग लोअर मजल वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 600 टू 800 फीट पर सेकेंड। सो जो आपके रिवॉल्वर बुलेट होती है, आपकी जो रिवॉल्वर होती है उसकी अगर हम मजल वेलोसिटी की बात करें, तो उसकी जो मजल वेलोसिटी होती है 600 टू 800 फीट पर सेकेंड के अप्रॉक्स रहती है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। Then on the basis of loading and unloading mechanism, these are classified into four types. So revolver को हम four types में classify कर सकते हैं। First one is solid frame, removable cylinder revolver. So इसमें क्या रहता है, जो आपका cylinder होता है उसको पूरी तरह से आप remove कर सकते हैं, ठीक है। Then solid frame, unremovable cylinder. Unremovable में क्या होगा, आप उसको पूरी तरह से, आपका जो सिलेंडर होगा उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें एक इजेक्शन की मैकेनिज्म रहता है जिसकी हेल्प से आप सारी की सारी जितनी भी कार्ट्रिजेस होती हैं उनको आप बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। देन सॉलिड फ्रेम स्विंग रिवॉल्विंग सिलेंडर। स्विंग रिवॉल्विंग सिलेंडर में क्या रहता है, आपका सिलेंडर उसमें अटैच रहता है, बस थोड़ा सा साइड में मूव करके आ जाएगा, जिससे आप सारी की सारी जितने भी वेकेंट कार्ट्रिज होंगे उनको निकाल सकते हैं या वहाँ पर उसमें डाल सकते हैं। देन टॉप ब्रेक डिजाइन रिवॉल्वर। तो इसमें क्या रहता है, इसमें भी इजेक्शन के लिए एक लैच प्रेजेंट रहती है, जहाँ से आपकी सारी की सारी जितने भी कार्ट्रिजेस होती हैं, वेकेंट कार्ट्रिजेस होती हैं, उसको आप इजेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें नहीं आप, मतलब उसमें आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इसका अभी प्रेजेंटली कोई भी यूज़ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इनका इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, पहले इनका यूज़ हुआ करता था, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये आपका रिवॉल्वर है एंड ये आप देखें तो ये आपका रिवॉल्विंग सिलेंडर है, ठीक है। सो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो सिलेंडर है वो बाहर साइड में आ गया है, मतलब ये स्विंग आउट हो गया है एंड इसमें जितनी भी कार्ट्रिजेज हैं, तो ये यहाँ से एक बटन रहती है, इसको आप प्रेस करेंगे तो सारी की सारी कार्ट्रिजेज बाहर की तरफ मूव कर जाएंगी एंड इसमें आपको नई कार्ट्रिज डालनी होती है तो यहीं से आप डायरेक्टली नई कार्ट्रिज को डाल भी सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपका
इससे पहले था सॉलिड फ्रेम रिमूवेबल सिलेंडर। रिमूवेबल में क्या होता है कि यहाँ से ये पूरा ही अलग हो जाता है एंड ये जो सिलेंडर होता है ये साइड में मूव नहीं करता है, यहीं से आप सीधे इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अनरिमूवेबल में यहाँ से डिटैच होगा, मतलब ये पूरा आपका इतने पर से ओपन हो जाएगा लेकिन आप इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। इसमें इजेक्शन की मैकेनिज्म होगी जिससे आप सारी की सारी कार्ट्रिजेस को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपके पूरे रिवॉल्वर की मैकेनिज्म रहती है, पूरा का पूरा इस तरह से आपका रिवॉल्वर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रिवॉल्वर के कुछ और टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक रिवॉल्वर होती है, क्विक लोडिंग रिवॉल्वर होती है एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सॉलिड फ्रेम स्विंग आउट सिलेंडर हैंड इजेक्टर रिवॉल्वर, सॉलिड फ्रेम स्विंग आउट सिलेंडर हैंड इजेक्टर गैस चेक रिवॉल्वर। गैस चेक मतलब गैस की हेल्प से उसको कुछ इजेक्ट करने का सिस्टम रहता है। देन सॉलिड फ्रेम फिक्स्ड सिलेंडर रॉड इजेक्टर रिवॉल्वर, यहाँ पर आपको रॉड की हेल्प से इजेक्ट करना पड़ता है, सिलेंडर अपना मूव नहीं करता है। देन सॉलिड फ्रेम फिक्स्ड सिलेंडर नॉन इजेक्टर रिवॉल्वर, देन हिंज्ड फ्रेम टिप डाउन बैरल ब्रीच लॉक एंड थंब लॉक, हिंज्ड फ्रेम टिप डाउन बैरल ब्रीच लॉक एंड थंब लॉक। ये दोनों ही सेम नाम है लेकिन एक अमेरिकन वेराइटी है एंड एक जो है आपकी इंग्लिश वेराइटी है। ठीक है, सो इस तरह से कुछ आपके अलग अलग तरह के रिवॉल्वर होते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं सभी के, तो सभी के बारे में आपको जानने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो मैंने आपको चार यहाँ पर आपको नाम लिख रखे हैं ये वाले सारे पता होने चाहिए। इसमें बेसिकली बस रिमूवेबल अनरिमूवेबल स्विंग एंड टॉप ब्रेक डिज़ाइंड रिवॉल्वर इतना ही है। ठीक है, एंड आपको बाकी इसका स्ट्रक्चर तो पता ही होता है कि किस तरह का रिवॉल्वर होता है, किस तरह का पिस्टल होता है, जनरली सभी ने देखा हुआ होता है एंड जिसने नहीं भी देखा है तो उनके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम तो लगा ही रखा है। आपका पिस्टल का भी पूरा डायग्राम है जहाँ यहाँ से आप पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर इतना होता है, कौन कौन से क्या पार्ट्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको जब मैंने पार्ट्स वाला वीडियो बनाया था वहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ एंड उसमें फिर भी कुछ पार्ट्स रह रहे थे तो उनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं बाकी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो आपके नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो सारे। इसके अलावा मैंने आपको जो फर्स्ट मतलब जो आपके पार्ट्स वाले में सियर बताया था तो वो तो आप ज़रूर से याद रख लीजिएगा कि आपका सियर जो रहता है वो आपके फायर आर्म के कौन से मतलब कहाँ का पार्ट होता है। ठीक है, तो जिसने वाले वीडियो नहीं देखा है पार्ट्स वाला तो वाला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट होगी, आपको वहाँ पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हैंडगन्स वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। मैंने पिस्टल और रिवॉल्वर दोनों को अलग अलग बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएट करके बता दिया है, उसको मैंने क्राइम सीन से रिलेट करके भी बता दिया है। ठीक है, एंड ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।